हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भविष्य रेमेडीज में। आज हम आपको बताएंगे एलोवेरा के अनगिनत फायदे। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है और यह त्वचा पर मौजूद महीन रेखाओं को साफ करने का काम करता है। यह एक बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट है और यह बहुत अच्छा क्लींजर भी है। एलोवेरा पेट की बीमारियों, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, आँखों और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। त्वचा की तमाम समस्याएं जैसे मुहासे, रूखी त्वचा, धूप से झुलसी हुई त्वचा, झुर्रियाँ, चेहरे के दाग धब्बे, आँखों के काले घेरे, फटी एड़ियाँ, यह इन सब के लिए लाभदायक है। यह खून की कमी को भी दूर करता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स या रिंकल्स हैं तो आप यह तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले साफ पानी से चेहरे को धो लें और तौलिए से पोंछ लें। अब जेल को प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे रात भर लगा रहने दें। सुबह अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय रोजाना किया जा सकता है। एलोवेरा जेल के ज़्यादा इस्तेमाल से कई बार त्वचा पर चकते, खुजली और रेडनेस देखी जा सकती है। अगर आप कभी ऐसा अनुभव करें तो इसका इस्तेमाल फौरन रोक दें। रिंकल्स हटाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया जाता है। रिंकल्स इसके गुण स्किन को क्लीन और ग्लोइंग बनाते हैं। रिंकल्स हटाने के लिए एलोवेरा के पत्तों में से कांटे हटाकर पानी में उबालें और पेस्ट बनाएं। फिर इसमें शहद मिलाकर इस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगा लें। यह रैशेज हटाने में भी काफ़ी फायदेमंद है। स्किन पर जलन होने पर आप एलोवेरा और कच्चे आम का लेप लगा सकते हैं। कहा जाता है कि स्किन पर यह लेप लगाने से जलन, खुजली और सूजन से राहत मिलती है। इस लेप को बनाने के लिए आपको एलोवेरा और कच्चे आम के पेस्ट को बराबर मात्रा में मिलाना है। अगर संभव हो तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल सकती हैं। इसे आप जले पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एलोवेरा का असर ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण इसे जले हुए पर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। एलोवेरा के पत्ते को काटकर जले हुए हिस्से पर लगाने से जलन से तुरंत राहत मिलती है और वह हिस्सा जल्दी ठीक भी हो जाता है। यह जले के निशान को हटाने का भी काम करता है। उसके लिए रात को निशान पर एलोवेरा लगाकर छोड़ दें और सुबह साफ पानी से धो लें। एक शोध में माना गया है कि यह बालों को ज़रूरी पोषण भी प्रदान करता है। साथ ही यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। इसीलिए आप इसे बालों पर भी लगा सकती हैं। उसके लिए सीधे तौर पर बालों पर रगड़ के मसाज करें। ऐसा नहाने से 20 मिनट पहले करें। इस मसाज के बाद बालों को शैम्पू से धो लें। ऐसा करने के बाद आपके बाल एकदम सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। आप इसे मेहंदी में भी मिलाकर लगा सकती हैं। इससे बाल मजबूत और काले होते हैं। एलोवेरा से आपको नुकसान भी हो सकता है। एलोवेरा के रस को सावधानी से ना पिया जाए या उसका इस्तेमाल सावधानी से ना किया जाए तो एलर्जी हो सकती है। त्वचा पर दाने और पित्ती, खुजली या सूजी हुई त्वचा, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और गले में जलन जैसे लक्षण एलोवेरा के सेवन की वजह से हो सकते हैं। इसीलिए आप किसी डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। अब आज की वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हर्बल टिप्स के साथ। उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।